बड़ा रुझान बीजेपी के लिए। नव भारत पर सबसे पहला रुझान आ चुका है। तमिलनाडु में कोयंबटूर की सीट और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई आगे चल रहे हैं। ये वो राज्य है तमिलनाडु जहां बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं कि उनका गठबंधन जो है वो इस बार डबल डिजिट तक जा सकता है, उनका वोट शेयर बढ़ सकता है। और देखिए पहला रुझान भी जो आ रहा है वो तमिलनाडु से आता हुआ कोयंबटूर की सीट जहां पर अन्नामलाई फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अन्नामलाई के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है, वहां पर उन्होंने मेहनत बहुत की है। एक और बड़ी खबर, आनंद से बीजेपी उम्मीदवार आगे हो गए हैं, यानी बीजेपी के लिए दो सीटों पर बढ़त रुझान में। और देखिए पहला रुझान 20 सीटों का, 12 सीट पर एनडीए आगे, 12 सीट पर एनडीए आगे, इंडी अलायंस 5 पर आगे। देखिए मैंने कहा था बहुत तेजी से आंकड़ा घूमेगा, अन्य 3 पर आगे, 20 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। इंडी अलायंस 5 पर आगे, एनडीए 12 पर आगे और अन्य 3 पर, यानी शुरुआत में ही अगर आप देखें और बोलते बोलते एनडीए 20 पर आगे हो गया है और इंडी अलायंस 8, अन्य 3 पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर वाराणसी से आती हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आगे चल रहे हैं। वहां पर बीजेपी रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जीते इसके लिए कोशिश कर रही थी, तो शुरुआती बढ़त एनडीए को मिलती हुई। एनडीए 20 पर है, 31 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। एनडीए 20, इंडी अलायंस 8 और अन्य के लिए 3 सीटें इस वक्त दिख रही हैं, 33 सीटों का रुझान। इंडी अलायंस भी देखिए बहुत पीछे नहीं है, दक्षिण भारत में से रुझान आ रहा है और वहां पर इंडी अलायंस हमेशा बेहतर करता रहा है। एक और बड़ी खबर, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं नागपुर की सीट से, करण भूषण भी आगे चल रहे हैं और ये बोलते बोलते बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो 25 सीटों पर आगे हो गई है। आप देखिए बहुत तेजी से आंकड़ा बदलता हुआ, एनडीए 25 सीटों पर आगे, इंडी अलायंस 10 पर आगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, करण भूषण आगे चल रहे हैं, यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए कांग्रेस के लिए, अच्छी खबर आती हुई, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो आगे चल रहे हैं, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, यानी हरियाणा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है। शुरुआती रुझान है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, ये अभी बदलेंगे। बीजेपी के लिए भी आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है। अमरावती से नवनीत राणा, देखिए एक और बड़ी खबर, और बोलते बोलते 42 सीटों के रुझान, एनडीए 28, इंडी अलायंस अभी 10 पर अटका है। एक और बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ आगे चल रहे हैं, कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के आगे चलने की खबर है। नवनीत राणा आगे चल रही है, ये भी बड़ी खबर आती हुई। अन्नामलाई जो है वो कोयंबटूर की सीट से आगे चल रहे हैं, यानी जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, वो सारे नाम अभी दिख रहा है कि आगे चल रहे हैं। एनडीए 35 लगातार, देखिए रुझानों की हाफ सेंचुरी हो गई है, 51 सीटों के रुझान आ चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं, एनडीए 40 पर पहुंच गया है। इंडिया का आंकड़ा बहुत धीरे धीरे घोंगे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और एनडीए बहुत तेजी से आगे भागता हुआ। रुझानों में 56 सीटों में एनडीए 40, महेश शर्मा नोएडा से, महेश शर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर। हिसार से रणजीत चौटाला आगे, राजनाथ सिंह आगे। और आप देखिए, हम आपको कह रहे थे, हमने आपसे कहा था, इकलौता चैनल जहां आपको एनडीए का ब्रेकअप दिखता रहेगा, एनडीए 40 है उसमें बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये भी आपको ब्रेकअप नीचे देखिए, उसके जस्ट नीचे आप देखिए ऊपर टैली में, यहां आपको एनडीए का ब्रेकअप दिख रहा है। आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है, ये भी दिख रहा है। एनडीए 45, इंडिया 15 और अन्य 5। शिमला से, हिमाचल प्रदेश से देखिए खबर आ रही है, बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आसनसोल से टीएमसी के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे उन्होंने पाला बदला, टीएमसी में चले गए और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे चलने की खबरें आ रही हैं। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से, अनिल बलूनी बीजेपी का मीडिया प्रभार देखते हैं, अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से आगे चल रहे हैं, यानी उत्तराखंड में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। डिंपल यादव मैनपुरी से, डिंपल यादव आगे चल रही है, एक और बड़ी खबर। मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है, एक और बड़ी खबर, कंगना रनौत मंडी से आगे चलती हुई, यानी हिमाचल प्रदेश में एक जगह पर बीजेपी पीछे, एक जगह पर आगे चल रही है। कंगना रनौत की लड़ाई बहुत बहुत कठिन मानी जा रही है, लेकिन शुरुआत में ही कंगना रनौत ने
जब पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं तो बढ़त बना ली है, एनडीए 49, इंडी अलायंस 15 और अन्य 5 पर। एक और बड़ी खबर आ गई नॉर्थ मुंबई से, पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आती हुई। और अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है, अमेठी और रायबरेली ये दो ऐसी सीटें जिस पर सबकी नजर है। रायबरेली से राहुल गांधी के आगे चलने की खबर है, अमेठी से स्मृति ईरानी के आगे चलने की खबर है। एनडीए तेजी से भाग रहा है, 100 सीटों के करीब रुझान पहुंच रहा है और एनडीए ऑलरेडी हाफ सेंचुरी पार करता दिख रहा है। एनडीए 70, इंडी अलायंस 20 और अन्य 5 पर दिख रहे हैं, 95 सीटों के ये रुझान है। और अगर आप देखेंगे जिसमें हम आपको ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं उसमें भी आपको स्थिति स्पष्ट होगी। ये देखिए बोलते बोलते एनडीए 80 पर पहुंच गया है, एनडीए 80, रुझान 120, इंडी अलायंस 30 पर और अन्य 10 पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर आगे चलते हुए ये बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, वायनाड से और रायबरेली से दोनों सीट पर राहुल गांधी अब आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं, गांधीनगर वो सीट है जो 1989 से बीजेपी नहीं हारी है, गांधीनगर वो सीट है जहां नरेंद्र मोदी अपना वोट डालते हैं और उस गांधीनगर की सीट पर अमित शाह आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं ये बताया जा रहा है, यानी यादव परिवार के लिए अच्छी खबर आ रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं, कैराना से इकराना हसन आगे, ये बड़ी खबर आती हुई, यानी उत्तर प्रदेश में यादव परिवार अपनी जो सीटें हैं कम से कम उसको बचाता हुआ दिख रहा है। ओ एक और बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी सारण सीट से पीछे हो गई है, बड़ी खबर। राजीव प्रताप रूड़ी सारण सीट से आगे चलते हुए, लालू यादव की बेटी पीछे, ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा अगर लालू यादव की बेटी वहां से हारती है। सारण से पिछली बार भी राजीव प्रताप रूड़ी जीते थे। और एक बड़ी खबर आ गई गाजियाबाद से, अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, पहले जनरल वीके सिंह वहां से जो है वहां पर कैंडिडेट होते थे। एक और बड़ी खबर, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र सीट से पीछे, यानी सारण से छोटी बेटी पीछे, पाटलिपुत्र सीट से बड़ी बेटी पीछे, लालू यादव परिवार के लिए शुरुआती खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं। एक और बड़ी खबर, मेरठ से अरुण गोविल आगे, बांसुरी स्वराज आगे, मथुरा से हेमा मालिनी आगे, यानी खबरों का तूफान आ रखा है। बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बिहार में इंडी अलायंस को बड़ी उम्मीद थी, नई इंडी अलायंस को बड़ी उम्मीद थी बिहार से, लेकिन बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं, ये बड़ी खबर। मंडी से कंगना रनौत अब पीछे हो गई हैं, ये देखिए मंडी से कंगना रनौत पीछे, एनडीए 101 पर चला गया है, यानी 100 का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में पार, एनडीए का शतक हो गया है। एक और बड़ी खबर, पटना से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, यानी एनडीए का रुझानों में शतक लग चुका है, इंडी अलायंस 40 पर अटका है, हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंचा है और अन्य 10 पर हैं, यानी एनडीए का शतक 150 सीटों में एनडीए का शतक हो चुका है और अभी ये शुरुआती रुझान है। ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा, अभी पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे, यूपी में अखिलेश यादव के परिवार के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, भले लालू यादव के परिवार के लिए बिहार से लालू यादव के परिवार के लिए अच्छी खबरें नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव भी आजमगढ़ से आगे चलते हुए यूपी में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबरें। पूरी सीट संबित पात्रा जो कि पूरी सीट से पिछली बार हार गए थे, संबित पात्रा जो कि सारे डिबेट वगैरह छोड़कर मेहनत कर रहे थे पूरी में, वो आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से, हरियाणा में करनाल से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था, मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, लोगों ने बड़ा हंगामा किया कि भाई इनसे मोह भंग हो गया नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनको लोकसभा का टिकट मिला और हरियाणा के करनाल से मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं, यह बताया जा रहा है। 150 सीटों के रुझान, एनडीए 101 और इंडी अलायंस 40 पर है। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे हो गई है, सातों लोकसभा सीट
जहां पर बीजेपी आगे हो गई है बताया जा रहा है। कोटा से लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिड़ला आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। ओम बिड़ला आगे, और ये बड़ी खबर कि उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, यानी बिहार में जो कहा जा रहा था कि एनडीए को जो है उसमें बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर लेगी, लेकिन एनडीए में जो अलायंस के कुछ साथी हैं वो बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं, उसकी शुरुआती खबर। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के वीडियोस भी आए थे कि लोग उनसे बड़े नाराज हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा हला बोलते बोलते आगे हो गए, उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं अब। एनडीए 115, एनडीए की रफ्तार फोर्थ गियर में चल रही है, एनडीए की गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी शुरुआती रुझान में ही शुरुआती 15 मिनट में एनडीए 115, इंडी अलायंस 41 और अन्य 10 पर आगे चल रहे हैं, यह बड़ी खबर आती हुई। और देखिए पवन सिंह आगे हो गए हैं, ये पता चल रहा है। आरा से आरके सिंह आगे चल रहे हैं बिहार में, ये बड़ी खबर आती हुई। एनडीए 121, आरा से आरके सिंह आगे। ओ, एक बड़ी बड़े उलटफेर की खबर आ रही है, अरुण गोविल मेरठ से पीछे हो गए, ये अपने आप में बड़ी खबर है। मेरठ से अरुण गोविल पीछे, शुरुआत में कहा जा रहा था अरुण गोविल को लेकर नाराजगी है वहां कुछ लोगों में, उन्होंने कहा भी था, माफी भी मांगी थी, कहा था भाई मैं जो है बाहर से आया लेकिन यहां पर काम करूंगा। काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं और मेरठ से अरुण गोविल पीछे, कई बड़े नामों को लेकर उलटफेर की खबरें भी आ रही है। बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर आती हुई। हालांकि पिछले बार भी आरजेडी को 0 सीटें आई थी, उस हिसाब से देखे तो बहुत आश्चर्य नहीं होता, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की थी, आरजेडी को उम्मीदें थी कि भाई बिहार में अच्छा करेगी, हो सकता है आगे चीजें बदल जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में बीजेपी 7 की 7 सीट पर आगे चल रही है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 1 सीट पर आगे है, महाराष्ट्र में देखिए 9 सीटों के रुझान, बीजेपी प्लस 5 और इंडी अलायंस 4, राजस्थान में बीजेपी 7 और कांग्रेस गठबंधन 3, राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, तमिलनाडु में डीएमके 17 और बीजेपी गठबंधन 0 है, एडीएमके 0 है, तमिलनाडु से इंडी अलायंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 27, सपा गठबंधन 8, ये बड़ी खबर आती हुई। बंगाल में देखिए बीजेपी टीएमसी से आगे चल रही है, बंगाल में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 6, बिहार में बीजेपी गठबंधन 19, आरजेडी गठबंधन 7 पर है, ये बड़ी खबर बिहार से आती हुई। कर्नाटक में बीजेपी 8, कांग्रेस 4, बशीरहाट से रेखा पात्रा आगे चल रही है, ये देखिए बड़ी खबर, बशीरहाट से रेखा पात्रा आगे। तो ये अपने आप में आप देखिए, और देखिए लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या वाली सीट, वहां से लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं। हालांकि कहा गया था कि लल्लू सिंह को लेकर बड़ी नाराजगी है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है, एक और पूर्व मुख्यमंत्री। इधर करनाल से मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम, गुड़गांव जिसको हम अमूमन कहते हैं, वहां से राज बब्बर पीछे हो गए, बड़ी खबर, राज बब्बर पीछे चल रहे हैं गुरुग्राम से कांग्रेस के। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ गई है। गुना सीट जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, उनका गढ़ भी माना जाता है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में देखिए बीजेपी 8 पर है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप अभी तक करती दिख रही है, 7 की 7 सीट पर आगे। शुरुआती रुझानों पर जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि खबरों की बम्बार्डिंग हो रही है, तो बहुत छोटा छोटा रिएक्शन हमें चाहिए होगा। मुझे ये बताइए अभिजेश अवस्थी, शुरुआती रुझान आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल की तरफ जाते दिख रहे हैं? रुझान बड़ी साफ सी बात है कि एग्जिट पोल में 2 दिन पहले दिखाया गया था, आज जो शुरुआती रुझान है, हालांकि बहुत ही शुरुआती रुझान है ये, लेकिन वही दिखाई दे रहा है जो भारत की जनता, तमाम मीडिया, ये जो एजेंसीज थी वो दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई ज्यादा अब गुंजाइश रहने वाली। एक और बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर, वो पटियाला से आगे चल रही है, यानी पंजाब में उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। पटियाला से परनीत कौर आगे चल रही है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन आंकड़ा देखिए आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे, बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे, अभी 4 सीटों के रुझान
पंजाब से आए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 सीटों पर आगे दिख रही है शुरुआती रुझान में। राहुल गांधी दोनों सीट वायनाड और रायबरेली दोनों सीट पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर दुमका से, सीता सोरेन आगे चल रही है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है वो दुमका सीट, दुर्गा सोरेन की पत्नी है यानी शिबू सोरेन की बड़ी बहू आगे चल रही है। बीजेपी के निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ी खबर आती हुई। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं। आज सुबह ही मैंने उनका बयान आपको सुनवाया था, वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। तो अभी 200 सीटों के रुझान देखिए, 200 सीटों के रुझान, एनडीए 135, इंडी अलायंस 55, अन्य जो है वो 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त दिख रही है, लगातार तेजी से आंकड़ा बदलता हुआ। और एक और देखिए उलटफेर देखिए, इसीलिए मैंने कहा अभी ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। करनाल में मनोहर लाल खट्टर पीछे हो गए, ये बड़ी खबर आती हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 2 और वाईएसआर कांग्रेस 3 सीटों पर आगे। ये आंध्र प्रदेश को लेकर भी बीजेपी गठबंधन पर सबकी नजरें हैं कि वहां क्या हाल रहने वाला है। 200 सीटों में बीजेपी 130 पर आगे, इंडी अलायंस 60 पर आगे और अन्य जो है वो 10 सीटों पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, ये शुरुआती रुझान आपको लग रहा है इसी तरह से कन्वर्ट होंगे या आपको उतार चढ़ाव की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, उतार चढ़ाव होगा, बीच में आगे पीछे होंगे, लेकिन जो नतीजे होंगे मुझे लगता है जो एग्जिट पोल था उसके आसपास ही नतीजे होने वाले हैं। और बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लग रहा है, कम से कम क्योंकि मैंने ग्राउंड पे घूमा है सुशांत, करीब 8 से 9 राज्यों में घूमा हूं और करीब 100 सीटों के आसपास मैंने खुद जाके देखा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा फर्क होगा। बीच में आपको कुछ उतार चढ़ाव दिखेंगे लेकिन नतीजा जो है ठीक है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, बीड महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे आगे चल रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, पप्पू यादव लीड कर रहे हैं। जो पप्पू यादव कफन बांध कर आने की बातें कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, वो पप्पू यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं ये बताया जा रहा है। हालांकि उनके लिए बड़ा अफसोसजनक रहा कि उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा। गाजीपुर से अफजल अंसारी आगे, देखिए एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से आगे चलते हुए, ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। ये और उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा देखिए, शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी ने भी पीछे से बीजेपी को पकड़ने का पूरा प्रयास किया हुआ है। बीजेपी अगर 28 सीटों पर आगे है, वहां सपा भी पीछे नहीं है। बिहार में बीजेपी आगे भाग रही है, 19 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आरजेडी 9 पर आगे। कर्नाटक में बीजेपी 8 और कांग्रेस 4, तेलंगाना में बीजेपी 2 कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 1 सीट। दिल्ली में 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, ये शुरुआती रुझान है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने में अभी 9 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, ये भी दिख रहा है। लोकेश जिंदल जी, शुरुआती रुझान आपको क्या इशारा कर देते हुए दिख रहे हैं? देखिए अभी तो काफी ज्यादा रुझान आने वाले हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह एग्जिट कर देगी ये जो नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा। अभी तक शुरुआती रुझान में कौन से ऐसी सीट है जिसने आपको चौंकाया लग रही है? नहीं नहीं, देखिए खुशी थोड़ा हंसते हुए कहीं नहीं लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कहते हुए खुशी तो खुशी, असल चेहरे का भाव तो 12 बजे तक सबको पता लग जाएगा कि किसके चेहरे पे 12 बजे हुए और किसका किसका जो है चेहरा खिल खिला के हुआ। कोई परसों नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हमको धीरे धीरे स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ाए रखें, देखिए। और देखिए एक बड़ी खबर आ गई है जम्मू कश्मीर से, उमर अब्दुल्ला 12 से पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 12 से पीछे हो गए हैं। ये ऐसी सीटें हैं जो इनका परिवार जीतता रहा है और 12 में इस बार अब उमर अब्दुल्ला शुरुआती तौर पर पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। केरल में देखिए, बीजेपी गठबंधन के लिए 1 सीट दिख रही है, उस केरल में जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होता था। ओडिशा में बीजेडी 4 बीजेपी 4। एक और बड़ी खबर हैदराबाद से, असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। माधवी लता हैदराबाद में पीछे हो गई हैं, ये शुरुआती खबर। और ये बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे हो गए और ये बोलते बोलते एनडीए 150 के पार चला गया है। 229 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए 151, इंडी अलायंस 68,
और अन्य 10 पर दिख रहे हैं। मुझे ये बताइए, धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त दिख रही है, लेकिन अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तक के रुझानों से आपको क्या उम्मीद है? 400 पार लग रहा है? देखिए, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। हमने जो 400 पार का दावा किया था वो जनता के कदमों में सर झुकाकर किया गया था। अपने किए गए कार्यों के जनता के साथ स्नेह के और भारत की जनता और भारतीय जनता को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमने कहा था। जमहूरियत है, लोकतंत्र है, हमने किसी को मना तो नहीं किया था कहने का कि आप 500 पार कह दीजिए, लेकिन 40 पार कहने का भी किसी में साहस नहीं था। क्यों? क्योंकि जन आकांक्षा, जन अपेक्षा, जन भावनाओं के अनुरूप काम करने वाले नरेंद्र मोदी एक ठीक है। सर मैं आ रहा हूँ, दो तीन बड़ी खबरें आ गई हैं। सिवान से शाहबुद्दीन की पत्नी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। कैसरगंज से करण भूषण आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। इमरान मसूद सहारनपुर से आगे चल रहे हैं, एक और बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है। तारिक खान सपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तारिक भाई, शुरुआती रुझान है लेकिन यूपी में सपा के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सपा भी 14 सीट पर आगे चल रही है, सपा गठबंधन, और आपका जो मुलायम सिंह का परिवार है वो हर सीट पर लीड कर रहा है। कम से कम इतना कहूंगा कि जो एक्सिट पोल है उसको गलत साबित कर रहे हैं शुरुआती रुझान, कम से कम सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने पे अभी हम आगे चल रहे हैं ज्यादातर एग्जिट पोल हमको दिखा रहे थे कि हम इतनी ही सीट जीतेंगे, जबकि आप ही के रुझान बता रहे हैं कि अभी सिर्फ आधे से कम सीटों का जो एक तरीके से बैलेट पेपर की जो नतीजे वो दिखा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी और सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता। और बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आती हुई। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल पीछे, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आती हुई। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, ये एक और बड़ी खबर आती हुई। एनडीए 174, इंडी अलायंस 71। और अब बड़ी खबर, भूपेश बघेल लगातार पीछे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, ये बड़ी खबर आती हुई। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी, उत्तराखंड में देखिए बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर आ गया है। और ये बातें बोलते बोलते अगर आप देखेंगे बीजेपी 9 सीटों पर, बंगाल में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, 16 सीटों का रुझान, और टीएमसी 5 पर। महुआ मोइत्रा पीछे चल रही है हमारे एग्जिट पोल में, अब माफ कीजिएगा, महुआ मोइत्रा आगे चल रही है हमारे एग्जिट पोल में। बंगाल में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन दिखा था और अभी बंगाल में शुरुआती रुझान में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी 7 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे बीजेपी जो है वहां पर अभी आगे 1 सीट पर दिख रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 3 सीट पर आगे है, वाईएसआर कांग्रेस 6 पर। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि टीडीपी के साथ जाने का उनको फायदा होगा। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं और गांधीनगर की सीट उनकी पारंपरिक सीट है, बीजेपी 1989 से जीतती आई है। एनडीए 181 सीटों पर आगे हो चुकी है और शुरुआती रुझान में सारी बड़ी सीटों पर अगर आप देखेंगे तो बड़े नाम आगे चलते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे, गुजरात में बीजेपी 24 सीट पर आगे चल रही है, यानी 26 में से 24 सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे। कर्नाटक में बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 5 पर, यह तस्वीर इस वक्त निकलकर आ रही है। अवधेश जी, मुझे यह बताइए कौन सा रिजल्ट या कहां का रिजल्ट आपको, या अभी तक रुझान जो है वो चौंका रहा है आपको? अच्छा, मैं अवधेश जी के पास आऊं उससे पहले पीलीभीत से एक और बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का पत्ता कट गया था, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया था, बीजेपी के जितेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, अरुण गोविल अब मेरठ से आगे हो गए हैं, यानी शुरुआत में आगे थे फिर पीछे हुए, अब अरुण गोविल फिर से आगे हो गए हैं। और आप देखिए बड़ी खबर, एनडीए 200 के पार, एनडीए 200 के पार चला गया है रुझानों में, 307 सीटों के रुझान आए हैं। एनडीए 202, इंडी अलायंस भी 92 पर पहुंचा हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 13 सीटें हैं, यानी एनडीए 213
बोलते बोलते एनडीए 213 रुझानों में डबल सेंचुरी एनडीए की हो चुकी है। पोस्टल बैलेट में बहुत तेजी से एनडीए आगे भागता हुआ नजर आ रहा है। अभी ईवीएम की काउंटिंग बस 2 मिनट के बाद शुरू होने वाली है और उसके बाद ये आंकड़े और तेजी से घूमने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए तमाम जो रुझान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए। अवनीश अवस्थी जी, कहां का रुझान या आपको जो रुझान परिणाम की तरफ जाता दिखे ना दिखे, बहुत आगे की बात है लेकिन रुझान आपको चौंका रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 49, सपा गठबंधन 11 हो गया है। आप चौंकाने सुशांत एक बात बड़ी साफ सी है, चौंकाने के लिए तो आज दूसरी टीम बैठनी है, बैठी हुई है ना चौंकने के लिए। तो हम तो आश्वस्त है, विश्वास बिहार में देखिए सर, बीजेपी गठबंधन 26, बीजेपी गठबंधन 26 पर पहुंच गया बिहार में। मंडी से कंगना रनौत लगातार पीछे चल रही हैं और हमारे एग्जिट पोल में भी यही आया था कि कंगना रनौत के लिए यहां पे टफ फाइट है और मंडी में कंगना रनौत के लगातार पीछे चलने की खबर आ रही है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर रहे वो लगातार आगे चल रहे हैं। बिहार में एनडीए 26 सीटों पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहां पर इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात यह है कि पिछली बार 39 सीटों पर एनडीए ने बढ़त हासिल की थी, जीत हासिल की थी। इस बार बिहार में इंडिया अलायंस भी नजर आ रहा है। बारामूला से उमर अब्दुल्ला अब आगे हो गए, ये बड़ी खबर आती हुई ये नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। और अब जब तक मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आती हुई कि पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर संजीव बालियान शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं और अब 8:30 बज गए हैं, ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो जाएगी और ये आंकड़े बहुत तेजी से घूमेंगे और आपको अगले 1 घंटे में अंदाजा लगने लगेगा कि ये रुझान क्या वाकई रिजल्ट में भी तब्दील होंगे या नहीं होंगे। लेकिन शुरुआती बढ़त बीजेपी और एनडीए अलायंस ने बहुत तेजी से बनाई हुई है। 241 पर एनडीए आगे हो गया है 357 सीटों में और जो 272 का आंकड़ा है उससे बहुत पीछे नहीं है अब एनडीए रुझानों में। लेकिन इंडी अलायंस भी 100 के करीब पहुंच रहा है और अन्य के खाते में 19 सीटें। और दिल्ली से बड़ी खबर, कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं मनोज तिवारी दिल्ली में आगे चलते हुए। मनोज तिवारी वो कैंडिडेट हैं जिन्हें दिल्ली में इकलौते बीजेपी के कैंडिडेट जिन्हें फिर से रिपीट किया गया, 7 में से 6 कैंडिडेट बदले। जिन्हें गौतम गंभीर जो है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे तो उनको बदला गया। तो ऐसे में 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है दिल्ली में और कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि नवनीत राणा पीछे हो गई हैं और ये संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, बड़ा उलटफेर, कैराना में अब बीजेपी आगे हो गई है। कैराना में वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट आगे हो गया, शुरुआत में पीछे थे वहां पर इकरा पीछे और अब बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो वहां पर आगे। एनडीए 262 375 सीटों के रुझान में एनडीए 262। और एक और बड़ा उलटफेर, कंगना रनौत अब मंडी से फिर लीड करने लगी है। ये बड़ी खबर देखिए, जबरदस्त उलटफेर चल रहा है, कहीं कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, इसलिए अभी रिमोट साइड में रख दीजिए बॉस, क्योंकि अभी जरा सा भी आप आश्वस्त होइएगा कि यही जीत रहा और यही हार रहा है तो ऐसी स्थिति नहीं है। एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है लेकिन कुछ भी हो सकता है। मंडी सीट पर लगातार हम उलटफेर देख रहे हैं, एनडीए 264, इंडिया अलायंस 93, अन्य 19 पर आगे। केरल में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पहली बार बढ़त दिख रही है। ओडिशा में 4-4 का मामला चल रहा है जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। बोलते बोलते महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 20 पर पहुंच गया है और राजस्थान में बीजेपी 14, कांग्रेस गठबंधन 4, यानी राजस्थान में 18 सीटों के रुझान आए हैं और उसमें बीजेपी को बढ़त दिख रही है। तमिलनाडु में कोई नहीं है डीएमके के आगे। एक और बड़ी खबर टीम बता रही है, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत, शुरुआती आधे घंटे में ही रुझानों में एनडीए को बढ़त दिख रही है। 274 स्पष्ट बहुमत का, 272 का आंकड़ा रुझानों में एनडीए ने पार कर लिया है। 386 सीटों के रुझान आए हैं और एनडीए 274 पर लीड कर रहा है, इंडी 93।
और अगर आपको राज्यों का बताऊं, कर्नाटक देखिए बीजेपी गठबंधन 20 पर है, मध्य प्रदेश में बीजेपी 17, 18 सीटों के रुझान है, बीजेपी 17 पर आगे, कांग्रेस 1, पुडुचेरी में कांग्रेस 1 सीट पर आगे, महाराष्ट्र में 35 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 21, कांग्रेस गठबंधन 14, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 2, कांग्रेस गठबंधन 2, राजस्थान में 20 सीटों के रुझान, बीजेपी 17, कांग्रेस गठबंधन 3, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर 6, बीजेपी गठबंधन 3, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 22, यानी दक्षिण में तमिलनाडु में बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी उस तरह के रिजल्ट नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश में देखिए 66 सीटों के रुझान है और उन 66 में बीजेपी 56 पर आगे, बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन 10, बीएसपी क्लियर है, कहीं नहीं है बीएसपी, कांग्रेस जो है उसका ब्रेकअप अभी पता चलेगा तो बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस में कम से कम रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और ये रायबरेली की ही सीट थी जो पिछली बार कांग्रेस ने एक सीट उत्तर प्रदेश में जीती थी, वो रायबरेली की सीट थी, इस बार भी रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त तस्वीर निकल रही है, अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार आगे चल रही है, 56 सीटों में बीजेपी यूपी, 56 सीटों में बीजेपी आगे, 66 सीटों के रुझान, और देखिए बिहार में 40 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 30, आरजेडी गठबंधन 9 और अन्य के खाते में एक सीट बिहार में जाती हुई दिख रही है, कर्नाटक में बीजेपी 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस 7। अब मुझे यह बताइए लोकेश जिंदल जी और हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश भाई, कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है, वहां तो डीएम ठीक काम कर रहे होंगे, बीजेपी गठबंधन कर्नाटक में आगे चल रही है 21 सीट पर। देखिए जी ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सब्र रखिए, डीएम तो ठीक आधा घंटे के अंदर, नहीं हमारे कार्यकर्ता हैं वहां पे तैनात, चौकन्ने हैं, अवगत है, सचेत है, तो फिर तो काम बखूबी से करना ही पड़ेगा। अरे तो कर्नाटक में तो सरकार भी आपकी, वहां सरकार है, कार्यकर्ता देखिए थोड़ा सब्र रखिए, अब ये एक और बड़ी खबर बता दूं, यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आती हुई, एनडीए 281 पहुंच गया है, 406 सीटों का रुझान, और बड़ी खबर इंडी अलायंस 100 के पार, इंडी अलायंस भी 100 के पार चला गया है, ये बड़ी खबर आ रही है, एनडीए 281, इंडी अलायंस 101, ये बड़ी खबर, और मध्य प्रदेश में कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, समस्तीपुर से सांभवी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है वहां पर कांग्रेस का, राजस्थान में भी बीजेपी 16 पे सीटों पर आगे, ये एक बड़ी खबर आ गई।